पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि इस रेगुलेटर सर्किट को कैसे बनाना है, और दूसरा ये जो हीटर में जो लगा जो सेंसर, इसमें जितने वायर जुड़ते हैं इसके बारे में आपको बताया था। और इस वीडियो में आपको बताते हैं इस गन के लिए जो एयर और हीटर के लिए जो टाइमर सर्किट को कैसे बनाना है, तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, फ्रिज, एसी, कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग, इनमें से कोई कोर्स करने में रुचि रखते हैं तो संपर्क करें इंदू टेक्निकल टी मार्केट पावर हाउस भिलाई। तो इसके लिए एक 12 वोल्ट का रिले लेंगे। इस पे 5 पॉइंट है, T1 टर्मिनल 1 है, कॉमन, T2 टर्मिनल 2, NC और NO, ये टोटल 5 पिन है। तो सबसे पहले इसमें चलते हैं T2 पॉइंट पे। T2 पॉइंट से -12 वोल्ट की सप्लाई की लाइन को जोड़ेंगे। जैसे ब्लैक वायर दिख रहा है काला रंग का, ये -12 वोल्ट की सप्लाई है। इसके बाद एक ट्रांजिस्टर लेंगे जिसका नंबर है BC547। आप इसके जगह पे BC548 भी लगा सकते हैं। तो लास्ट पे इसका हम डायग्राम बताएंगे, उसमें हमने BC548 का ट्रांजिस्टर को लगाया है। तो दोनों ही ट्रांजिस्टर में पहला पिन ये कलेक्टर है, दूसरा बेस और तीसरा इमीटर। तो इस कलेक्टर से 12 वोल्ट की सप्लाई को जोड़ेंगे। ये जो लाल कलर का वायर दिख रहा है ये +12 वोल्ट की सप्लाई है। अब इस ट्रांजिस्टर के इमीटर से रिले का T2 पॉइंट को जोड़ेंगे। अब एक रेजिस्टेंस लगाएंगे 1.5 के। तो इस रेजिस्टेंस का एक सिरा को इसी ट्रांजिस्टर के बेस के साथ जोड़ेंगे, और इसका जो दूसरा सिरा है इसी रेजिस्टेंस का दूसरा सिरे को कंडेंसर 220 mA 16 वोल्ट के प्लस सिरे से इस रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे को जोड़ेंगे। और इसी कंडेंसर का माइनस सिरा को -12 वोल्ट की सप्लाई देंगे, और यही माइनस सिरा ये रिले T2 पर भी आके जुड़ा हुआ है। अब एक और एक ट्रांजिस्टर लगाएंगे BC547। ये पहला ट्रांजिस्टर भी BC547 था, सेकंड भी हम BC547 ही लगाएंगे, और इसका जो कलेक्टर को इसको भी 12 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ेंगे। और इसी ट्रांजिस्टर के इमीटर को जो BC547 है इसके इमीटर को कंडेंसर 220 माइक्रोफेरेट 16 वोल्ट के प्लस सिरे के साथ जोड़ देंगे। अब एक रेजिस्टेंस लगाएंगे 2.2 किलो। इसके एक सिरे को ट्रांजिस्टर BC547 के बेस के साथ जोड़ेंगे। और
2.2 किलो का रेजिस्टेंस का जो दूसरा सिरा है, इस सिरे को प्लस 12 वोल्ट की सप्लाई के साथ जोड़ेंगे। इसके बाद एक और रेजिस्टेंस लगाएंगे 100 ओम का। इस रेजिस्टेंस का एक सिरा को ट्रांजिस्टर BC547 के बेस के साथ जोड़ेंगे और इसी रेजिस्टेंस का दूसरे सिरे को मैग्नेटिक सेंसर के साथ जोड़ेंगे। ये जो पीला कलर का वायर है, ये मैग्नेटिक सेंसर के लिए। अब एक दूसरा रिले लगाएंगे, ये भी 12 वोल्ट का रिले है, ये है एयर के लिए रिले है। तो इस रिले का जो टर्मिनल 2 पॉइंट है, ये टीप 2, इसको भी -12 वोल्ट की सप्लाई को सप्लाई देंगे। इसको भी -12 वोल्ट की सप्लाई आएगा और एक ट्रांजिस्टर लगाएंगे BC547। इस ट्रांजिस्टर के इमीटर को जो रिले है उसके T1 पॉइंट से जोड़ेंगे और इसी ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को प्लस 12 वोल्ट की सप्लाई देंगे। एक रेजिस्टेंस लगाएंगे 1 किलो जिसका एक सिरा ट्रांजिस्टर BC547 के बेस के साथ जोड़ेंगे। और इस रेजिस्टेंस का यह है दूसरा सिरा, इसको प्लस 12 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ेंगे। अब एक रेजिस्टेंस लगाएंगे 82 ओम का। इसका जो पहला सिरा है, इस सिरे को ट्रांजिस्टर BC47 के बेस के साथ जोड़ेंगे और इसका जो दूसरा सिरा है, इस सिरे को मैग्नेटिक सेंसर से जोड़ेंगे। ये जो पीला वाला वायर है मैग्नेटिक सेंसर, इस सिरे से इसको भी जोड़ देंगे। तो इस तरह से ये सर्किट कंप्लीट हो चुका है। तो ये ट्रांजिस्टर, ये जो रिले है ये एयर के लिए और ये जो रिले है हीटर के लिए। तो इधर का सर्किट आपका एयर के लिए है और इधर का सर्किट हीटर के लिए। यह सर्किट डायग्राम टाइमर सर्किट है। तो इसमें ये जो है रिले है, ये वाला भाग, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक, ये हीटर के लिए। तो ये रिले हीटर के लिए लगा हुआ है और ये जो भाग है, इतना भाग, ये भाग है एयर के लिए। तो ये जो रिले है एयर के लिए लगा हुआ है। इसके अलावा ये पॉइंट से ये पॉइंट तक, ये भाग जो मैग्नेटिक सेंसर है उस पॉइंट पे ये जुड़े। तो इसका अगला भाग मैं आपको इस टाइमर का कनेक्शन, इसके अलावा पूरे हॉट एयर गन का वायरिंग को बताया जाएगा।